এরা তো সবসময় করে এরকম। Guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? होप करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का ब्लॉग है सैटरडे ब्लॉग। सॉरी लास्ट वीक मैं सैटरडे वाला ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। बने रहिए, देखने आज क्या क्या करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कैप्शन देख के समझ में आ ही गया होगा कहाँ जा रहे हैं हम। या नाउ वी आर गोइंग टू तनिष्क। बने रहिए देखने के लिए कि क्यों जा रहे हैं तनिष्क। सो या लेट्स गो। अभी बनी हो गया रेडी एंड मैं जा रही हूँ, पापा जी जा रहे हैं, देन कुमार एंड ऑफ कोर्स बनी। आज सैटरडे है तो आज बनी को मम्मी कैब पे नहीं दिया, मेरे पास ही रखा बिकॉज उसको भी तो थोड़ा हक बनता है घूमने का। तो अभी हम लोग चल रहे हैं। तो या लेट्स गो। मुझे जो लेना था वो मैंने चूज़ कर लिया था। इसके बाद बनी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था और वो किसी के पास भी नहीं रुक रहा था। मैं उसको लेके ऐसे थोड़ा वॉक कर रही थी स्टोर के अंदर ही। नाउ लेट मी शो यू व्हाट आई हैव चोजन। आई हैव चोजन दिस गोल्ड चेन जो मुझे गिफ्ट मिला मेरे बर्थडे पर, एंड ये पापा जी का है जो पापा जी ने अपना एक ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके ये वाला खरीदा। इसके बाद हम गए हैं तनायरा जो एक न्यू स्टोर खुला है यहाँ पे, ये सबको बहुत लोगों को पता ही होगा, वेयर यू कैन गेट गुड सारे कलेक्शन। बट उसके प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई थे। तो इतना बड़ा गिफ्ट लेने के बाद तो मैं मतलब ये वाला मतलब डिज़ायर भी नहीं कर सकती कि मैं और एक साड़ी खरीदूँ। तो मैंने अपना गोल्ड चेन लिया। उसके बाद तो ये वाला सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं फिर से साड़ी वगैरह खरीदूँ। वैसे मैं साड़ी पहनती भी नहीं हूँ बट ऐसे ही मैं थोड़ा चेक करी थी। सारी कलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था लेकिन एक जो मैंने चूज़ किया था वो 3500 था। तो इतना फालतू का मुझे नहीं वेस्ट करना था इसलिए मैंने नहीं लिया। वी आर बैक होम। यू कैन सी मेरा गला खाली बिकॉज जो मेरा वो चेन था नेक पीस जो था ना वो मैंने क्लीन करने के लिए दिया। हाथों के रिंग्स वगैरह सारे क्लीन करने के लिए दिए। तो वो शाम को लेने जाएंगे तो अभी कुछ पहना है नहीं। तो अभी थोड़ा 5 to 10 मिनट्स रेस्ट करके बनी का खाना प्रिपेयर करना, बनी का लंच। लेट मी शो यू व्हाट बनी इज डूइंग। बोल लो तो कौन मम्मा की करो तुम्ही ए ए टाइम ही पड़े हो ए एक गोड़े पड़े और जो कि करके खेलते दाओ খেলার সময় ওর কোনো খিদে রেদা নেই। তুমি যত ইচ্ছা অনেক সময় একটু ঘ্যান ঘ্যান করে বেশি খিদে লাগে না তুমি খিদে রেদা ভুলে যাও। हाँ तो अभी बन रहा है बनी का खाना। मैंने हमारे मेड को बोल के रखा था कि तो रेडी करके रखे, लाइक उसको अभी डालिया दूंगी मैं डालिया और उसके साथ थोड़ा कोई भी डाल, कभी कभार मसूर का डाल या फिर कभी मूंग डाल देती हूँ और कुछ वेजीज लाइक कैरेट पोटैटो जो भी मिलता है आसपास वो दे देती हूँ। अभी उसका बॉयल वगैरह करके सब कुछ उसको मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद उसको फिट कराना है। बनी को पता नहीं क्या हो गया, उसको डालिया बिल्कुल खाने का मन नहीं होता। तो मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई करूँ। क्या ट्राई करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट में बताना कि क्या दे सकते ताकि बच्चे को मतलब 10 मंथ्स बेबीज़ को अच्छा लगे ऐसा फूड, थोड़ा आइडियाज़ वगैरह देना। A few moments later. बनी को फीड करा के उसको सुला के फिर हमने लंच करा। अभी लंच के बाद हमेशा मुझे कुछ ना कुछ मीठा खाने का बहुत मन करता है। तो यहाँ पे मैं बेकरी की केक खा रही हूँ एंड दैट आल्सो विद अमूल मिल्क पाउडर जो होता है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है उसके साथ। तो बट पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बनी अभी जल्दी उठ जाएगी बिकॉज आजकल क्या हो रहा है ना कि वो सोता है फिर 10-15 मिनट फिर से पैंक फिर उड़ जाता है फिर उसको सुलाती हूँ मैं फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उठ गया है। तो नाउ आई हैव टू गो एंड चेक। द वन पता नहीं कैसा लगता है मतलब ऐसा टाइप को मैंने कोई भी पहना नहीं है। बाद में एक पेंडेंट खरीद लूँगी इसके साथ पहनने के लिए। आज का वेदर बहुत अच्छा है। एज ऑलवेज सैटरडे को बारिश होने का संभावना होता है
तो अभी मैं आई हूँ छत पे कपड़े लेने। बनी आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, मतलब कुछ भी सोता है 10 मिनट के लिए सोता है, फिर पैं करके उठ जाता है, फिर से सुलाती हूँ, फिर वो 10-15 मिनट के लिए सोता है, फिर उठ जाता है बिल्कुल भी, मतलब उसको सिर्फ मैं चाहिए होता है। कल भी चैम्बर गई थी, कल भी रो रहा था बहुत, तो अभी उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। पता नहीं आगे के दिन में क्या होने वाला है, देखते हैं, लेट्स सी। A few moments later. Hey everyone, say hello to everyone, mama. Abhi we are ready. Now we are going to the doctor. Doctor dadu ke paas jachhi amra. Mama, Bunny is wearing a new dress today. Actually, मुझे किसी ने comment करा था कि उसके हेयर्स ना बांधूँ, फिर सामने वाला जो फोरहेड है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बट क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ही स्वेट्स अ लॉट, जिसकी वजह से मुझे बांधना पड़ता है। तो कभी कभार जब कभी हम बाहर निकल तभी बांधते हैं, नहीं तो हर टाइम खुला ही रहता है। और 18 मंथ्स के पहले उसके हेयर्स हम नहीं काट सकते, तो इसीलिए। डॉक्टर के चैम्बर से निकलने के बाद हमको वापस से जाना घर पे, बिकॉज मुझे थोड़ा बनी का ड्रेस चेंज करना था। एंड इसके बाद तो मैंने वापस से फ्रेश होकर वापस से हम लोग निकल गए। थोड़ा तनिष्क जाना था, बिकॉज जो मैंने अपना रेगुलर वेयर का जो चेन और रिंग्स, फिंगर रिंग्स वगैरह, कुमार का गोल्ड चेन एंड जो भी हमने क्लीन करने को, वॉश करने के लिए दिया था, तो वो वापस से लेना था। तो हम बस तनिष्क के जा रहे थे, उसके बाद थोड़ा बनी को लेकर थोड़ा घूमना ही था ऐसे ही थोड़ा यहाँ वहाँ। बारिश की वजह सब कुछ चौपट हो गया। बेचारा बनी को हम ले गए थे यहाँ पे एक एमबीबी शिव नगर या वहाँ पे एक फाउंटेन वगैरह होता है, लाइटिंग वगैरह होता है, मैंने देखा था। तो मम्मी ने कहा था कि उसको लेके जाओ ताकि वो देख सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं था वहाँ पे। तो बहुत बुरा लगा, प्लस बारिश भी आ गया था। तो हम जब उतरने ही वाले थे थोड़ा ऐसे इसको थोड़ा ड्रॉप पर लेके जाने के लिए उस एरिया में, तो नहीं पॉसिबल हुआ बिकॉज थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स। एंड ऐसे भी एक बार बनी का हालत मैंने देख लिया बुखार के टाइम, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो अभी बस उसको और अच्छा नहीं लग रहा था, तो बारे में ऐसे इसको का फेवरेट 2-3 वीडियोज़ है यूट्यूब में वो चला दिया था। अभी हम लोग वापस जा रहे घर। And for dinner, we have taken this 2 fresh fried rice and 1 chicken ka kuch gravy from Devi restaurant. So guys, this was it for this vlog. Milte hain next vlog par. Till then, stay safe and stay healthy. Bye.